तो हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, वो भी बिना किसी मोबाइल नंबर के और बिना किसी ईमेल आईडी के। तो क्या आपको अपना पुराना पासवर्ड, मेरा मतलब है अभी वाला पासवर्ड, याद है? मुझे कुछ याद नहीं है। अरे टेंशन मत लो, उसकी जरूरत भी नहीं है, आप बिना उसके भी अपना पासवर्ड चेंज कर पाओगे। अरे कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट बाद आप भी मान जाओगे। लेकिन एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपको एक प्रोफाइल आइकन दिखेगा या फिर ऐसी कुछ 3 लाइन्स मिलेंगी, तो इन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से सिम और अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे आपको आपके सारे अकाउंट्स दिखा देगा। तो जिस भी फेसबुक अकाउंट का आपको पासवर्ड चेंज करना हो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और अभी आपसे ये आपका करंट पासवर्ड मांगेगा, तो वो तो हम भूल चुके हैं, तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ से पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपका OTP आपकी ईमेल आईडी पर आएगा और अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपका OTP फेसबुक पे ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके थोड़े से टाइम के बाद आपके पास एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कोड है इसे देख के आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है और फिर इस पेज को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो कोड आपने याद किया था वो यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने फेसबुक अकाउंट के लिए एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, जैसे कि पहले अपना नाम डाल दिया, उसके बाद कुछ रैंडम नंबर्स डाल दो और फिर यहाँ पे @ लगा दो या फिर कोई और सिंबल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पासवर्ड एंटर कर देना है और फिर यहाँ पे नीचे जो ये छोटा सा ऑप्शन है इसे आपको टिक कर देना है, ताकि अगर आपका फेसबुक अकाउंट किसी और फोन पे चल रहा होगा तो वहाँ से वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप फेसबुक के होम पेज पे आ जाओगे। तो ऐसे ही आप फ्रेंड्स अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।